कर दे कर दे तो फिर ये तो अरुषा अरुषा अगर तुम्हारा ख्वाब नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी घर के काफ़ी काम जो हैं वो बाइंड अप हो गए हैं, मतलब बच्चों ने पढ़ लिया है। अभी हम रात का खाना खाने लगे हैं और आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग कैसे होने लगा आपको ज़्यादा टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। तो अभी रुषा जाती है, इस सारी कार्रवाई में रुषा जो है वो मेरा साथ देगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। हाँ हमजा स्टडी कर लिए, आज हमजा बहुत थक गया भाई, आज हमजा ने जितनी स्टडी की उठ के बैठो और अपनी शर्ट भी ठीक करो। चलो अब बताओ खाना रोटी बना दूँ अपने बेटे को। आप ही मलाइका उधर पढ़ रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने नहा के टॉवल इधर ही रख दी है? नहीं अभी रखने जा नहीं, नहीं मुझे दे दो, तुमने रख ही ना दो, तुम बाहर तुम इतनी अच्छी ना कह रहे, तुम अब रखा ये लो तुम जाके रखो। अम्मा नहीं रख अम्मा कल तो फ्राइडे है ना, तो कल क्या होगा, कल बिरयानी बनेगी खाने में। यस ये मामा की सबसे अच्छी आदत है, मामा हर फ्राइडे बिरयानी बनाती हैं। अब हमने ना एक दिन रख लिया तो फ्राइडे बिरयानी बनाएंगे। सही बात है, और पूरे हफ्ते में सिर्फ फ्राइडे का इंतजार होता है। हाँ, फिर उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ ही होता है। सही बात है। देसी चिकन मैंने बनाया था थोड़ा सा, तो वो भी है और साथ में आपको आलू और चिकन भी थोड़ा सा गर्म कर लें। हमजा को देते हैं खाना सबसे पहले। अभी जो था ना मामा का मोबाइल नहीं मिल रहा था और मामा ने कहा कि मैंने पूरा घर देखा, मैंने कहा मामा आपका मोबाइल किधर है, मामा ने कहा टीवी ला उसमें जाओ सामने सोफे पे पड़ा हुआ। मैं गई और सामने सोफे पे मोबाइल पड़ा हुआ। कल मैं लैंड सॉल्यूशन ढूंढ रही, मामा ने कहा लैंड सॉल्यूशन अंदर पड़ा हुआ। बिलीव मी मैंने और आपकी मलाइका ने ना पूरी कवर्ड देख ली थी लेकिन हमें लैंड सॉल्यूशन नहीं मिला। और मैंने इनको बताया अभी सही कि ये जो डब्बा है ना इसको सिर्फ तुमने साइड पर करना है, इसके पीछे पड़ा। और मैंने डब्बा निकाल के भी देखा था, कहती मामा ये वाला डब्बा इसने निकाला और उसके पीछे से नहीं मिला। मामा उठ के गई और मामा ने कबर्ड खोली, मामा के हाथों में आ गिरा लिटरली। तो खुद ही मेरे हाथ में ऐसे आ गया, ये तो कैसे पॉसिबल होता है ये मामा को हर चीज मिल जाती है। ध्यान जो होता है ना वो आसमान का नहीं होता, काम की तरफ होता है, इसलिए पॉसिबल होता है। कभी मेरे हस्बैंड तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। पापा कॉल उठा ले, कभी नहीं उठाएंगे। छह दफा उनको कर लूंगी ना कॉल ही नहीं उठाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको जब काम हो तो आपके हस्बैंड फोन उठाते हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा तुमने खाना नहीं खाना? नहीं हुआ, मैंने खा लिया था। तुम जिन जुगाड़ों में हो ना मुझे तुम्हारा सारा, आई प्रॉमिस मैंने माइलो पिया था। अच्छा मेरा दिल नहीं है अभी, जैसे 10 बजते जाएंगे ना पता होगा क्या माँ ने रोटी नहीं बना के देनी, फिर कहेगी अच्छा कुछ लाइट सा मंगवा देते हैं। आपके सामने मैंने माइलो पिया था। मेरे सामने नहीं तुमने पिया माइलो, मतलब आप जब गई हुई थी तो पिया था ना, तो मैंने तुम्हें माइलो पीने ही नहीं था देना। अभी जो प्रैंक का होगा ये वाला मोबाइल जो है ये वहाँ पे मैं लगा दूंगी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फिर अपने मोबाइल से ना वो रिकॉर्ड करूंगी। कुछ इस तरह करके हम लाइक अक्सर प्रैंक करेंगे। रुषा देखो उधर किस तरह मोबाइल एडजस्ट होगा हमारा वैनिटी के ऊपर। फ्लैश लाइट नहीं ऑन करनी है जिससे मलाइका को पता करने इधर, मतलब इसके पीछे डब्बे के पीछे। चलो ऐसे ही करके लेकिन इसकी फ्लैश लाइट ऑफ रखना। हाँ जी सही बात है, मतलब पूरा मोबाइल जो है वो छुपा दिया और सिर्फ इतना सा इस कमरे में से व्यू नजर आ रहा है। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, मोबाइल साइड पे रखोगे तो तुम्हें मेरी आवाज आएगी। अच्छा ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है? एक मिनट मुझे कुछ क्या कर दिया, कुछ मैंने चाय बना कर तुम्हें जॉब लाइन की फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ना वैसे पापा ने तुम्हारे और मैंने ना हमने डिसाइड किया, मतलब हमें ये लगता है, ठीक है, मैंने ना पापा ने हमने ये डिसाइड किया कि हम ना मतलब कोई अच्छा अगर रिश्ता मिलता है तो हम तुम्हारी शादी वगैरह का कुछ सोचें। नहीं सीरियस हूँ, एफ एस सी हो गई है ना तुम्हारी, तो मेरा दिल तुम्हारा रिजल्ट आना, तो तारीख तो रह जाओ। कौन सी तारीख? आपकी। मेरी क्या तारीख? मैट्रिक करके बन गई थी ना, मैंने डॉक्टर बनना। मम्मा क्या हो गया, आपका ख्वाब है यार आपके बच्चे? मेरा ख्वाब है तुम अपने ख्वाबों के? मेरा ख्वाब है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने तो नहीं ना किसी पर डिपेंडेंट रहना। अभी जा कर तो मैं बैठ जाऊँ, खबर कर मम्मा पापा को, पापा से कह ही नहीं सकता। बाबा हर वक्त कहते रहते सपोर्ट जो नहीं जाने, सपोर्ट जो अपना पढ़ लो अपना, और जो पापा मुझे रोज सुबह उठाते हैं इसलिए उठाते हैं कि मैं रिश्ता करना,
क्योंकि उन्होंने वैसे यही कहा, वो कहते हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं कि कर लेते हैं। करूंगी शादी, करूंगी अभी तो नहीं ना करूंगी। मामा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी होगी मैं जिंदगी तक अच्छा नंबर लेके बैठती। शादी इज नॉट द सॉल्यूशन बात कर रहे हैं ना, हम जरूरी बात कर रहे हैं बेटा। वो देखो ना, उसे ने बाजी आई थी जिनका भी निकाह है, उन्होंने क्या कहा था, मैं डॉक्टर बन जाओ एट देन शादी होनी है। तो मामा डॉक्टर भी तो बन जाओ, इंडिपेंडेंट भी तो हो जाओ, क्या हो मामा कैसे सोचती बेटा, इतनी थक जाओगी सारा दिन, अगर अपनी फैमिली को कैसे टाइम दोगे। राइट टाइम है मेरा हुआ था, तारीख क्या दुरानी है बेटा, मेरा भी तो हुआ था। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे मुझे बच्चे दिए, लाइफ सेट हो गया। देखो अभी मैं यंग हूँ, साथ लोग भी जवान होंगे, अच्छा नहीं अच्छा। मम्मा क्या कर, मुझे पता है शादी पे खुश होती है या इस तरह की पढ़ाई करनी है, पता है आपका तो शादी पे नहीं खुश होती। हम जब इस उम्र में थे हमें तो शादी की बात करते थे, हम कहते थे शादी होगी, लहंगा पावांगे, दुल्हन बढ़ाएंगे, है ना। कैसे नहीं तुम्हारे इधर वैसे वो लड्डू फूट रही है, मजाक के अलावा पापा ने मैंने डिसाइड किया है अगर तुम्हारा ख्वाब है तो जाहिर हम तुम्हारे ख्वाब के साथ ही जाएंगे, अगर तुम्हारा ख्वाब नहीं है तो कसम उठाए क्या सच बोल रही है। तुम्हारा फाइनल क्या डिसीजन है, हमसे आवाज आज तक मेरा ब्याह कर दे, ब्याह कर दे कर दे। तो फिर ये तो अरुषा, अरुषा क्या हो गया यार, अरुषा डॉक्टर बनने मैंने अभी तो तुमने कहा मेरा ब्याह कर दे, तंग आके कहा आपसे अरुषा आपकी शादी के लिए तैयार हो गई है। अरे यार कसम मैंने मजाक में कहा, ब्लाउज भी अच्छे बनेंगे, ब्लाउज अच्छे अच्छे बनेंगे यार, मैंने मजाक में कहा है मम्मा, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। प्रैंक, हम सब बोले प्रैंक, अब आप कह रहे हैं कि तरह देख के हो गया तेरा ख्याल, प्रैंक हो गया है पीछे। अच्छा इसे वाकई था कि मैं मजाक कर रही, क्योंकि इसे खुद पता है कि मैं जितने तुम लोगों के कैरियर को या फ्यूचर को लेके पैशनेट हूं, इसे पता है कि मामा इतनी जल्दी हमारा ब्याह नहीं करेगा। प्रैंक करती कोई आईफोन के साथ प्रैंक करती, दरअसल मैं आईफोन दे देती। अच्छा आईफोन और प्रैंक कर दे देना, वाह जी वाह। गाइस आप लोग क्या कहना, वो कैमरा ऑफ था, प्रैंक प्रैंक पर प्रैंक। अच्छा हमने ना हमजा से भी कैमरा छुपा के लगाया था, क्योंकि हमजा इतना वो क्या कहते हैं ढोल है ना हमारा। जैसे ही मलाइका ने कमरे में एंटर होना था, इसने कहना था ये आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लाइक ऐसी कोई बात नहीं है, हम मजाक कर रहे थे। तो मैं अच्छा इसे आप अपनी ना मेकअप की और अपनी अपीयरेंस का हो गया, मैं सूट का दुपट्टा नहीं ले आया। तो अपनी मेहनत करो, जो बच्चियां पढ़ रही हैं स्पेशली मैं तो उनके साथ हूँ कि वो अपना मेहनत करें, अपना दिल लगा के पढ़े, अपना कैरियर बनाए। शादी तो यार हो ही जानी है, कोई बात नहीं है, जो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते। मैं कहती तुम्हारी जॉलाइन बन गई अभी भी ऐसे ऐसे करके देख, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। जो भी इंशाल्लाह मलाइका ने आगे जिस फील्ड में भी जाना है, ये जो भी चूज करेगी, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा स्किट और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।